मैडम पटेल जी, जया बच्चन जी, किरणमय नंदो जी, अपना पार्टी का भी मिस्टर मिसेस पटेल जी, गठबंधन का हर नेता, हर भाइयों, हर बहनों, सारे बुजुर्गों, दोस्तों, माँ भाइयों और बहनों, मैं पहले आप लोगों को शुक्रिया अदा करने चाहूंगी कि आप लोगों ने मेरे को बनारस में आके दो चार बात कहने का मौका दिया है। मैं आपको आभारी हूं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्ते, आप लोगों को बहुत बहुत सत श्री अकाल जी, आप लोगों को बहुत बहुत सलाम, आप लोगों को बहुत बहुत जय जोहार, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्ते। मैं दो चार बात कहने का पहले, मैं कल बनारस को पवित्र घाट में गया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। दो दिन पहले शिवरात्रि हुआ, हम लोग शिवरात्रि करते हैं और मैंने तो कहता है हर हर महादेव, सबको अच्छा रखे, सुस्त रखे, शांत रखे। ए बनारस में कल जब मैंने घाट में जा रहा था, मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, तो रास्ता में मैंने देखा थोड़ा बीजेपी का वर्कर जिसको दिमाग में कुछ नहीं है, फोड़ना तोड़ना छोड़ के और कुछ नहीं है, और मेरे को गाड़ी रुक दिया, मेरे को गाड़ी में डंडा मारा, मेरे को गाड़ी में धक्का मारा और मेरे को बोलता है आप वापस जाओ। तो मैंने सोचा कि ये लोग गया, ये पूरा बुरा है और चला गया, राजनैतिक को चल बसी, उसको हारना मौजूद है। इसी के लिए मैं एक मीटिंग में आ रहा होता है, तुम्हारा क्या है, हमको कहता है तुम वापस जाओ। मैंने क्या किया, मैं इतना डरते नहीं है, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं लड़ाकू हूं और लड़ते लड़ते मेरे को जिंदगी में बहुत दफे सीपीएम मेरे को पिटाया, मेरे को बहुत दफे गोली चलाया, मेरे को बहुत दफे गंडा डंडा मारा, मैं कभी झुका नहीं। काल भी ये लोग जब मेरे को ऐसा गाली दे रहा था, तो मैंने गाड़ी से उतारा, मैंने गाड़ी से उतारा और उतार के हम कुछ दफे खड़ा रहा ऐसा कि मेरे को देखना है तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा क्या शक्ति है हम देख सकते हैं, तुम्हारा कितना साहस है हम देख सकते हैं, तुम तो डरपोक हो डरपोक, तुम डरते हो। मैंने अपील किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को इतना गाली दिया, मेरे को गाड़ी में भी धक्का दिया, मेरे को ऊपर में कुछ छोड़ा, तो मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसी के लिए कहा कि मैंने सब सोचा, अरे बीजेपी हार रहा है, ये मैसेज क्लियर है, ये पूरा हार रहा है, नहीं तो हमको ऐसा क्यों करेगा। अगर हमको तुम ऐसा डरते हो तो हम एक दफे नहीं हजारों दफे आएगा,
इतना सस्ता नहीं है, खेला होगा। दो दिन पहले भी बंगाल में म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हुआ, 105 में 104 हमारा हुआ। हमने बहुत देखा, ज्यादा गुंडागर्दी हमारा साथ मत करो जोगी जी। आप दिखाते हैं आप एक बड़ा संत है, लेकिन संत क्या होता है, जिसको लिए इज्जत होता है। आप तो संत नहीं है, आप संत को असम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। क्या काम किया आपने, क्या काम किया? अखिलेश जी ने आपको बोला काशी को कैसा तोड़ा फोड़ा। मैं कहने चाहूंगी, अगर आप लोगों को अखिलेश और गठबंधन को जिताना है तो एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। बोलो, तुम माता जी को सम्मान नहीं कर सकते हो, बहन को सम्मान नहीं करते हो, हम तुम्हारा यूपी में क्या हम नहीं आ सकता है, हम बनारस में नहीं आ सकता है, हम मथुरा में नहीं आ सकता है, हम आजमगढ़ में नहीं आ सकता है, हम लखीमपुर में नहीं आ सकता है, हम इलाहाबाद में नहीं आ सकता है, हम कुंभ मेला में नहीं आ सकता है। आप लोग भी हमारा गंगा सागर में जाते हैं, आपका कितना आदमी हमारा बंगाल में रहते हैं, पूछ लो कितना अच्छा है वो लोग। आप क्या मेरा को चिनाएगा? पूछिए बालिया के बारे में, आपको पता है देश में आजादी का बारे में। देश आजादी होने का पहले तीन जगह में आजादी सरकार बने, तो उसमें बालिया एक हो, आजमगढ़ कितना लड़ाकू है। लखीमपुर में किसान लोग जब मूवमेंट कर रहा था, अब गाड़ी चला के मार दिया उसको। पहले मैंने किसान लोगों का साथ बार बार बातचीत किया, मैं भी किसान मूवमेंट किया है, लेकिन आपको मिनिस्टर का लड़का उसको एक्सीडेंट करके मार दिया, इसका बाप ने आपने क्या किया, क्या असर उठाया, क्या किसान लोगों का इज्जत नहीं होता? आप इधर में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, अरे भाई हमारा छोटा छोटा भाई लोग क्या करेगा, हमारा छोटा छोटा बहन क्या करेगा, उसका आजादी है। तुम क्यों एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम पे हमारा माँ बोन को बेइज्जत किया है, बेइज्जत किया है? क्या एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया? कहा थे जब लोगों ने कोविड का टाइम में पाए चलकर रास्ता में आस्ते आस्ते भूखा मर गया, एक पैसा भी आप लोगों ने नहीं दिया, लेकिन मैंने और मजदूर को बाहर से पैसा देके ट्रेन भाड़ा करके हम ले आया। अभी भी देखो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और मोदी जी इधर में मीटिंग कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा देश को स्टूडेंट को वापस ले आना है कि नहीं है? अगर आपका साथ पुतिन जी का इतना अच्छा रिलेशन है तो आपको तो पता था 3 महीने का पहले कि युद्ध होने वाला है, तो आप इंडियन को क्यों वापस नहीं ले आया? और आज कहते हो कि आप अपना अपना आ जाओ, कोई बंकर में सोया है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है। और मोदी जी आपका गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देके कहते हैं आप अपना अपना चलाओ, ये कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आप लोगों ने बहुत पाप किया है, जब चुनाव आते हैं
तो आप मंदिर का बात करते हो, चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हो। मेरे को जय सियाराम स्लोगन में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो, सिया माता को नाम नहीं बोलता, सीता माता का नाम नहीं बोलता, आप बोलता है जय श्री राम, वो नहीं है, जय सियाराम है। अच्छा बात कह रो, और हमको सिखाना नहीं है, हम तो माँ दुर्गा पूजा करते हैं, राम जी ने जिसको पूजा किया था हम उसका पूजा करते हैं। इसी के लिए आपको पता होना चाहिए। मैं कहती हूं ओम जयंती मंगला काली भद्रो काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहा सदा नमोस्तुते ओम सर्व मंगला मंगले शिवे सर्वात्म सहादिके शरण्यत्म्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। हम मंदिर में जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, हम मस्जिद में जाके भी हम उसको ला इलाहा इल्ला इल्लल्लाह जब बोलते हैं हम उसको साथ देते हैं। हम रमजान महीना में इफ्तारी में जाता है, हम दुर्गा पूजा में जाते हैं, हम शिव पूजा करते हैं, हम कृष्ण पूजा करते हैं, हम जन्माष्टमी करते हैं, हम गणपति पूजा करते हैं, हम काल भैरवी का पूजा करते हैं, हम संकट मोचन का पूजा करते हैं। ऐसे हम मंदिर में जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, हम गुरुद्वारे में जाते हैं, हम गिरजा में जाते हैं, तब तो हमने इंडियन बना, तब तो हिंदुस्तानी बना। एक सच्चा हिंदुस्तानी वही होता है जो सबको प्यार करता है। और आप लोग क्या है, आप झूठा है। पहले कहते थे हम अच्छे दिन ले आएंगे, सुना, अच्छे दिन ले आएंगे, अच्छे दिन के नाम पे नोटबंदी कर दिया, अच्छा दिन के नाम पे रेल बेच रहा है, अच्छे दिन के नाम पे किसान बेच रहा है, अच्छे दिन के नाम पे एयरपोर्ट बेच रहा है, अच्छे दिन के नाम पे बैंक बेच रहा है, अच्छे दिन के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा है। आने वाला दिन बैंक का रुपया आपको मिलेंगे। पहले बोला था 15 लाख करके दे देगा, 15 लाख करके रुपया आप लोगों को अकाउंट में आ जाएगा, आया था। हम गौ माता को सम्मान करते हैं, लेकिन आपने क्या किया, आज छोटी छोटी ये जंतु लेके किसान लोग परेशानी है। नहीं तो आप खाने देता, नहीं तो आप उसको अच्छा से रहने देता, तो हम लोग भी ठीक किया है, आपको खाने नहीं दूंगा। राजनैतिक जो हमारा इशू है, आपको राजनैतिक खाने नहीं दूंगा, मतलब आपको वोट नहीं दूंगा और किसी को खून करने भी नहीं देंगे। बनारस का नाम कितना है, बनारस एक पवित्र स्थान है, संस्कृति का स्थान है, सभ्यता का स्थान है। मथुरा का पेड़ा कितना सुमधुर है, बनारस का पेड़ा विश्वनाथ मंदिर कितना सुंदर है, इलाहाबाद का गंगा कितना सुंदर है, प्रयाग कितना सुंदर है, कुंभ मेला कितना सुंदर है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, ओ गंगा में कोविड का डेड बॉडी भसा दिया। जो लोगों का डेड बॉडी घर में नहीं मिला गंगा में फेंक दिया, ओ लोगों ने, आप लोग जरूर इसको खिलाफ में आवाज तूले। मैंने देखा एक डेड बॉडी जाते जाते हमारा मालदा में गया, बंगाल में, ये लोगों ने क्रीमेशन नहीं किया, कफन नहीं दिया, लेकिन मैंने हमारा गवर्नमेंट का ओर से डेड बॉडी उठाया और उसको हम अच्छा से क्रीमेशन किया। ए हमने किया, उत्तर प्रदेश का डेड बॉडी आपने गंगा में फेंक दिया और हम उसको सम्मान का साथ उसको समाधि किया। यही तो बात है। एक बात याद रखना, और दो फेज बाकी है, आज एक हो रहा है और लास्ट फेज है। आपको पता है इकबाल ने एक कविता लिखा था,
इकबाल ने लिखा था कि उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी किस्मत गढ़ रही, मैं जब तेरी किस्मत गढ़ने का काबुल हुआ तू चल बसी। ऐसा दिन ना आए कि आपको एक वोट नहीं देने से फिर जोगी राज ना हो जाए, फिर गुंडा राज ना हो जाए, फिर गुंडा गद्दारी ना हो जाए, फिर एंटीरोमिया को स्क्वाड पर माफिक, लखीमपुर का माफिक, हाथरस का माफिक, उन्नाव का माफिक कोई चीज ना हो यूपी में। ये आपको देखना है। अखिलेश आपका घर का बेटा है, जयंत आपको घर का बेटा है, अपना घर का आदमी को जिताना है ना झूठा बोलता है जोगी को जुटाना है। क्या देगा जोगी? वो तो जोगी है, नाम पे जोगी है लेकिन काम पे भोगी है, खाली भोग करता है। उसको वोट देने से कुछ नहीं मिलेगा। अखिलेश जीतेगा तो हम भी बंगाल का साथ यूपी का रिलेशन बराबर अच्छा करके हमारा भी जितना काम है आपको लिए हम करेंगे। मैंने सुना वो गांव गांव में जाके बोलता है जिसको निमोक खाया उसको वोट दो। क्या निमोक खाया? चुनावों को फ्री में राशन देगा, उसको बात नहीं मिलेगा। और हमारा सरकार पूरा साल देता है, पूरा साल देता है, पूरा साल देता है। झूठा बोलता है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। आपका यूपी का लड़का क्यों बाहर में जाता है नौकरी के लिए? क्यों यूपी का लड़का को लड़की को नौकरी इधर में नहीं मिलता है? यूपी का भगिनी को मैं बताऊंगी, मां बेटी को, कि मां बेटी मां बहन जो होता है हमारा घर का आसमान होता है। वो आसमान हमको देखभाल करते हैं, वो आसमान हमको आगे बढ़ाता है, वो आसमान जन्म देता है, वो आसमान सब कुछ करते हैं। हम मां बहन को यूपी को बताएंगे आप किसी को ऊपर भरोसा मत करो, आप लोग अखिलेश को वोट जरूर देना है वुमेन पावर को स्ट्रांग करने के लिए। माता बहनों, हम हर माता बहनों को लक्ष्मी भंडार बनाया। हम सबको दलित जो है उसको 1000 रुपया और जो ऐसे जनरल कास्ट है हम 500 रुपया करके महीना में देते हैं माता बहन को। ए गवर्नमेंट क्या किया? हम पूरा स्टूडेंट को फ्री एडुकेशन देता है, साइकिल देता है, स्मार्टफोन देता है, 10 लाख रुपया करके स्मार्ट कार्ड देता है उसको पढ़ाशुना करने के लिए। आप क्या किया? ना किया है किसान के लिए, ना किया है मजदूर के लिए। और आज जब देश में जब भी चुनाव होता है कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। अरे भाई बच्चा लोग दुख में है, जब प्लेन में आता है, प्लेन में एक प्लेन हमारा बच्चा लोग आए बहुत मुश्किल से, तो मैंने देखा एक वीडियो, मिनिस्टर जाके कहते हैं मोदी जी का जयगान करते हैं। अरे भाई तुमको ले आना कर्तव्य है। अगर हमारा बंगाल का कोई लड़का बाहर में पड़ा है हम भी उसको दिल्ली आता है हम प्लेन का टिकट दे के ले आता है, और बॉम्बे में आते हैं तो हम प्लेन का टिकट दे के ले आते हैं। और मोदी जी आपका गवर्नमेंट क्या बोला कि अपन अपन से आओ, अपन अपन से मर जाएगा तो कौन बचाएगा, कौन बचाएगा, कौन देखेगा? हिंदुस्तान बराबर शांति चाहते हैं, हम भी शांति चाहते हैं। हम कोई देश का खिलाफ में नहीं हूं लेकिन हम बीजेपी के खिलाफ में जरूर हूं। जो बीजेपी का कुछ काम करना नहीं आता, खाली झूठ बात कहते हैं, गंदा बात करते हैं, जुमला पार्टी है, सब उसको जुमला पार्टी बोलते हैं। इसी के लिए याद रखना, रोशनी चांद से होता है सितारों से नहीं, मोहब्बत अखिलेश जी का गठबंधन से होता है बीजेपी से नहीं, ये आपको याद रखना है। बातों बातों पे बड़ा बड़ा बात करते हैं लोग, हमारा पास इंफॉर्मेशन है कि अखिलेश यादव जी और उसको गठबंधन जीत रहा है। बदल दो जोगी सरकार को, बदल दो,
जोगी सरकार को पलटा दो, जोगी सरकार को बदल दो। बदल बदले जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बाहर फिर भी आते हैं, बाहर फिर भी आएंगे। अखिलेश काम किया है और सारे काम करेगा उसको गठबंधन के लिए, लेकिन इसको बदल दो। ये ज्यादा बरसाते हैं, इतना बरसा, इतना बारिश, इतना मत बरसाओ। हमें भी हिम्मत है, हमें भी लड़ने का हिम्मत है। बीजेपी तुम देख लो, पूरा देश तुम्हारा खिलाफ पे है, पूरा देश का नौजवान तुम्हारा खिलाफ में है, पूरा देश का माँ बहन तुम्हारा खिलाफ में है। और अगर आप लोग अखिलेश का उसको गठबंधन को जिता सकता है तो 24 में नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। देश के हम लोग भी प्यार करते हैं, देश को प्यार करके हम लोग भी गाना गाते हैं कि ये मेरे वतन को लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आजादी, जब ताकती सांस लड़े हो फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर पड़ माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए है उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हमें धरती को नमन करते हैं, हमें बनारस को नमन करते हैं, हम पूरा यूपी को नमन करते हैं, हम पूरा देश को नमन करते हैं। और साथ साथ में कह नहीं सकता है, साल पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है, साल पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। खेला इतना सस्ता नहीं है कि तुम जातो जातो पे बाट पे भूत करोगे। अरे हमारा हाथ भी है, पाँव भी है, आंख भी है, पेट भी है, हमारा ब्रेन भी है, हमारा किडनी भी है, हमारा लिवर भी है, सब एक साथ में रह के इलेक्शन का टाइम में पता होता है जात पात करो और धर्म धर्म में लगा दो और बाद बाकी टाइम में डूब देता है। चुनाव का टाइम में डूब देता है, चुनाव का टाइम में चुप हो जाता है और चुनाव का टाइम में गाली देता है, चुनाव का टाइम में कॉन्टिन्यूस झूठा बोलता है और वीडियो फेक वीडियो बना के वो लोगों का पास भेजते हैं। इसको विश्वास मत करो, खुद अपनों फानों पर विश्वास करो। अगर अपनों पर भरोसा है तो माँ बहन को जाके कहना कि ममता दीदी आके बोल दिया कि माँ बहन को आगे बढ़ना है, उसको वोट अखिलेश को देना है, उसको गठबंधन को देना है। कालो हमारा साथ जो बेइज्जती किया है, मैं चाहते हैं इसको इंसाफ हमारा माँ दे, हमारा बहन दे, हमारा भाई दे। आप लोग कह दे हम यूपी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। हमारा गंगा भी है, हमारा धरती में कितना लोग जाता है कुंभ मेला में, हमारा भी गंगा है, आपका बनारस का गंगा है, पवित्र गंगा है। हमारा कितना आदमी धर्म में आते हैं, हर हिंदुस्तान का आते हैं, हर धरती का आते हैं। इसी के लिए याद रखना, बीजेपी ने जो पाप किया है वो पाप धुला नहीं जाएगा, वो पाप धुला नहीं जाएगा। बीजेपी को एक धक्का दो और पूरा यूपी से फेंक दो। और कोविड में हमारा भाई बहन को फेंक दिया, उसको राजनीति में फेंक दो, उसको वोट में फेंक दो। लखीमपुर ने हत्या किया है, आप उसको फेंक दो, और एक धक्का दो, और एक झांकी दो। जैसा लेके वो समझेगा कि इतना अच्छा नहीं है। चुनाव का टाइम में जो भी मर्जी कहे
और उसका बाद में उसका पता नहीं मिले, ये नहीं चलेगा। सच्चे हिंदुस्तान चाहते हो आप लोग? सच्चे किसान का अच्छा चाहते हैं? आप अच्छे दिन चाहते हैं ना बर्बाद का दिन चाहते हैं? बीजेपी कहते अच्छे दिन ले आएगा, लेकिन अच्छे दिन के बदल में बुरा दिन ले आया और सबको सत्यानाश कर दिया है। तो आने दिन अच्छे दिन ले आना है। अरे मैं खुश होंगे अखिलेश जी को आप लोग जिताओ, उसको गठबंधन में जिताओ, उसका ओथ टेकिंग अनुष्ठान में हम जरूर आएंगे, हम लोग सब एक साथ में आएंगे। कि खेला होगा, खेलेंगे बीजेपी के साथ खेला होगा, और जो जो आप लोगों का खिलाफ रहते हैं उसका विरुद्ध में खेला होगा। खेला मैंने भी लास्ट टाइम ये चुनाव किया था, तो अभी यही टाइम में हमको चुनाव करने पड़ता है। लास्ट टाइम खेला होवे बंगाल में बीजेपी को हरा दिया, आप भी आपका चुनाव में खेला होगा। हमारा बॉल कहाँ है किरण मौजा? हमारा बॉल कहाँ है? फिर हमारा भी खेला होगा और अखिलेश जीतेगा, उसका गठबंधन जीतेगा, बीजेपी हारेगा। हारेगा भाई हारेगा, बीजेपी हारेगा। जाएगा भाई जाएगा, बीजेपी जाएगा। हर इंसान के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर कास्ट के लिए हम लोगों ने काम करेंगे। तो खेला होगा, होगा ना? क्या खेला होगा? खेला होगा, खेला होगा, हिम्मत से होगा। डरेंगे नहीं, हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम डरने के लिए तैयार नहीं है। हम जिंदगी भर संघर्ष किया, आने वाला दिन भी करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं एक साथ में इकट्ठा होके आप अखिलेश को जिताओ। पांच फेज में वोट हो गया, आज सिक्स फेज हो रहा है, अखिलेश जीत रहा है, आने वाला सेवन फेज में भी उसको पूरा जिता दो। तो खेला होगा, हम देखता है इसको कौन पकड़ सकता है, तब हम समझेगा कि अखिलेश जीतेगा कि नहीं जीतेगा। ठीक है, देखा कितना बढ़िया, एक एक आदमी को छूके एक एक आदमी का पास गया और पकड़ाया हमारे एक सांवादिक बंधु पकड़ाया, बहुत बढ़िया है। यही तो रिजल्ट है, यही रिजल्ट है। सुबह आने वाला है, रोशनी आने वाला है, अंधेरी जाने वाला है, यूपी को अच्छे दिन आने वाला है, देश से बीजेपी को विदाई लेना है। आप इसको ऊपर भरोसा करो, ठीक है? तो क्या वादा आपको, वादा है? वादा करते हैं, अगर वादा करते हैं तो मेरे साथ कहो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अखिलेश गठबंधन की। जीतेगा भाई जीतेगा, गठबंधन जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, हारेगा भाई हारेगा, हारेगा भाई हारेगा। यूपी माता जिंदाबाद। यूपी को, माटी को नमन करके, धरती को नमन करके आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को कहने का अवसर दिया, आप लोगों ने मेरे को बोलने का मौका दिया। अखिलेश जी, जयंत जी, सब मिलके किरण मैदान हमको इनवाइट किया है। हमारा राजेश त्रिपाठी, लोकेश, सब आए एक साथ में, एक साथ में लड़ो और एक साथ में आगे बढ़ो। हम आगे बढ़ेंगे, हिम्मत से काम लेंगे,
और हम के जीत के दिखाएंगे कि सूरज अभी भी सूरज का रश्मि किसका ऊपर में है वो हम दिखाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाबी जिंदाबाद एंड हॉर पार्टी गठबंधन जिंदाबाद। अच्छा रहिए।